काफी लोग बोलेंगे कि भैया यार टाइम लैप्स का क्या फीचर है इसके अंदर, तो टाइम लैप्स भी हमने यहाँ पे शूट करा, ज्यादा देर का तो नहीं शूट कर पाया एंड मैंने हाथ के अंदर ही जो कैमरा है उसको पकड़ के रखा हुआ था एंड कैसी स्टेबलाइजेशन आ रही है और जो टाइम लैप्स है आप उसको स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ फोटोज की तो यस, आपका ये जो कैमरा है ये भाई फोटोज भी क्लिक करता है एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है और आप उसको कम करके लाइक 16 12 पे भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। सो 20 मेगापिक्सल पे हमने कुछ फोटोज क्लिक करी जिनके सैंपल्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ इस तरीके का आपको जो शूट है, जो फोटो है, वो यहाँ पे इस कैमरे के थ्रू जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, जब बात कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू की, तो इसमें आपको तीन तरीके के फील्ड ऑफ व्यू के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको मिल जाता है मैक्सिमम, आपको मिल जाता है मीडियम, आपको मिल जाता है मिनिमम। तो मैक्सिमम के अंदर कुछ इस तरीके का फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा वाइड डिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 165-170 डिग्री तक का व्यूइंग एंगल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ मीडियम की, तो मीडियम के अंदर कुछ इस तरीके का आपको व्यूइंग एंगल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 100-120 डिग्रीज का आपको व्यूइंग एंगल जो है वो मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नैरो की, जिसको हम लीस्ट भी कहते हैं, तो लीस्ट के अंदर बिल्कुल क्रॉपिंग जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है एंड इस तरीके का वीडियो शूट जो है वो आप नैरो के अंदर कर सकते हैं।